पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा। जो लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांसद का बयान अपने समाज अपने लोगों के प्रति एक समझाने की भाव से था, न कि दूसरे धर्म का अपमान करने का था। लेकिन इस बयान में, इस आग में घी का काम तेजस्वी यादव जी आपने जो किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, समाज में आग लगाने का, ईंट से ईंट बचाने के। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था जिसके बाद से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल शुरुआत तब हुई जब गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान भाजपा सांसद अररिया में ये कह गए कि अगर यहाँ रहना है तो हिंदू हिंदू कहना होगा। प्रदीप सिंह के इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव भड़के और हिंदुओं को ही चेतावनी देने लगे और कहा कि मुसलमानों की ओर आंख उठा के देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। जिसके बाद अब एक बार फिर सियासी बवाल चरम पर है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया है, साथ ही साथ भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के बयान को लेकर भी सफाई पेश की है। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। देखिए, बिहार में कानून का राज स्थापित रहेगा। जो लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, सांसद का बयान अपने समाज अपने लोगों के प्रति एक समझाने की भाव से था, न कि दूसरे धर्म का अपमान करने का था। लेकिन इस बयान में, इस आग में घी का काम तेजस्वी यादव जी आपने जो किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, समाज में आग लगाने का, ईंट से ईंट बचाने के लिए उत्तेजित करने का, ऐसे लोग बिहार को बदनाम और गाली बनाते हैं, बिहार को जलाते हैं, बिहार में जातीय संघर्ष और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों को क्षमा मांगनी चाहिए, उत्तेजनात्मक बयान नहीं देनी चाहिए। हर समाज के हर लोग को मिलकर के माँ भारती का जो भी संतान है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से वो रहे और काम करे। इस तरह के माहौल खराब करना और वातावरण को उत्तेजित करना, ऐसे लोग समाज के हितैषी नहीं, राष्ट्र के हितैषी नहीं। तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर अचानक अपनी गाड़ी से बैठे बैठे आकर एक लाइव दिया था और उसमें ये चेतावनी दी थी कि मुसलमानों की ओर आंख उठा के देखा तो सबकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। जिसके बाद तेजस्वी यादव पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि क्या हिंदुओं को धमकाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में सामने आई है। जहां तक बात रही प्रदीप सिंह के बयान की तो उसको लेकर विजय सिन्हा ने सफाई पेश की और कहने लगे कि उनका जो अर्थ था वो अपने समाज के लोगों के लिए था, लेकिन उसका गलत अर्थ निकाला गया। कोई भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने का तात्पर्य प्रदीप सिंह का नहीं था और बिहार में कोई भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर तेजस्वी यादव पर आरोप लगा दिया, कहा कि ये लोग बिहार को जलाना चाहते हैं, बिहार में दंगे भड़काना चाहते हैं, इसीलिए ईंट से ईंट बजाने जैसे बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं। लेकिन बिहार में इस तरीके के बयान नहीं चलेंगे, बिहार में आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी, ऐसे लोगों को क्षमा मांगनी ही चाहिए। तेजस्वी यादव से सीधे सीधे कहने लगे कि अब उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विजय सिन्हा जबरदस्त तरीके से सुनाते नजर आए, क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।